और अज जेड़ा मैं रिजाइन देना चाहना मेंबरशिप टू पीडीपी का। और मैं 2009 च पार्टी ज्वाइन की थी और 2009 के बाद कंटिन्यू ऐसी पार्टी काम किया। मुफ्ती साहब के टाइम पर अस ठीक काम वर्किंग करते रहे पर बाद जोड़ा है मुफ्ती साहब के बाद थोड़ा हालात पार्टी के काफ़ी ज़्यादा खराब हुए और उसके बाद अज तक पार्टी के अज मैं पार्टी का मैंबरशिप तो रिजाइन कर। और मेरी अपनी कुछ सेहत ठीक नहीं है तो मैं पार्टी की नहीं कर सकता इस वास्ते पार्टी। और कोई कारण रहा होगा जिसमें चाहे हम लंबे समय से आपने पार्टी में रह के काम किया और कोई कारण क्या आपकी विचारधारा नहीं मिल रही थी क्या? पार्टी के अपने अपने पार्टी के बयान स्टेटमेंट देते रहते हैं कुछ जम्मू वालों को सूट करती हैं नहीं करती हैं उसमें जो जम्मू के बयानबाजी में भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है उससे। और दूसरी बात यह है कि हमें ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं अपने लेवल पे। तो दूसरा जे हमें जे अपना मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने काम किया है पार्टी में एज ए सिपाही पार्टी का काम किया है और उसके बाद आज मैं जो है कम्फर्टेबल नहीं हूँ फिर मेरी कोई इजाजत नहीं देती है इसलिए पार्टी का। तो क्या आप किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? अभी फिलहाल तो मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है पार्टी का, जब होगा तो आपको बताएंगे तो आपको मैसेज मिलेगा अभी तो कुछ है। ऐसी क्या आफत आनी पड़ी जो पार्टी से ज्वाइन दे रहे हैं आप? काफी सारी चीजें हैं इसमें जो ज्वाइन करने वाले नहीं है। पार्टी लीडरशिप जो है वो कश्मीर में बैठी है, जम्मू में कोई इतना ज्यादा उनका रोल नहीं रहा है तो उनकी भी स्टेटमेंट ये कहती है कि जम्मू में कुछ हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो वो जब उनको बेनिफिट पार्टी जो काम नहीं थोड़ा सा ये रहता है तो उसमें पार्टी लीडरशिप जम्मू में नहीं रहेगी तो वर्कर जो है वो ठीक ही रहता है। शर्मा साहब आपने जब ज्वाइन किया था तब भी उस समय भी इसी तरह की विचारधारा थी, उस समय क्यों ज्वाइन किया जब आपको पता था कि ये कश्मीर बेस्ड पार्टी है? नहीं ऐसा था कि मुफ्ती साहब जो थे वो जहाँ के होम मिनिस्टर रहे हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर रहे और जम्मू कश्मीर में उनका अच्छा था ये और वो ऐसा नहीं था कि मुफ्ती साहब के कोई ऐसी कोई बात थी तो हम रहे और सरकार बनाई। उन्होंने पार्टी में उतराव चढ़ाव आता रहता है आना जाना लगा रहता है तो इसमें ये नहीं है कि मैं किसी के ऊपर ऐसे कोई एलिगेशन लगाता रहूं ऐसा नहीं है मगर ये है कि पार्टी में जम्मू में और श्रीनगर में बड़ा अंतर है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जम्मू खत्ते की बात जो है वो नहीं की जाती पीडीपी में? जम्मू खत्ते की अब मैं आपको क्या बताऊं, जम्मू में मैं ये कहना चाहता हूं कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो खुद पार्टी लीडरशिप कहती है कि जम्मू से हमें हमारा वोट बैंक नहीं बढ़ रहा है। उसका रीजन क्या है वो पार्टी खुद जानती है क्यों नहीं बढ़ रहा है क्या क्या कारण है वो पार्टी देखे क्या है क्या। Thank you.